ग्रे लिस्ट से निकले तो बहुत मजबूत नतीजे आएंगे। डायरेक्टर इकोनॉमिक्स CASS डॉक्टर उस्मान चौहान का कहना है कि मेरिट पर देखा जाए तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास 80% चांस है। डॉक्टर उस्मान चौहान ने निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में FATF के मुताबिक खतरा ख्वाह इकदाम किए। FATF को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मामला देखना होगा। FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ का खुद एतराफ किया है। डॉक्टर उस्मान चौहान का कहना था कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत मजबूत नतीजे आएंगे और ग्रे लिस्ट से निकलने पर एक्सपोर्ट पर एकदम से तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है। डायरेक्टर इकोनॉमिक्स ने मजीद कहा कि मेरिट पर देखा जाए तो ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास 80% चांस है। FATF के मामले मेरिट पर नहीं सियासी मामलों पर भी होते हैं। ख्याल रहे पाकिस्तान के रवामा ग्रे लिस्ट से निकलने की राहें हमवार हो गई। जरा का कहना था कि पाकिस्तान ने FATF के तमाम 27 नुकात पर वाज़े पेशरफ्त कर ली। तमाम नुकात पर पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी गई है। साथ ही रिपोर्टर मोहम्मद सुहेल के साथ हम्माद यूसुफ, VokNews कराची।